दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है, हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अपने शत्रु से नहीं बल्कि अपने कर्म से डरे, यह एक भी शॉट मिस नहीं करता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। दूसरों के अनुसार खुद को ना बदले, मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। बस एक बात याद रखें कि यह आपके और दूसरों के बीच नहीं है, यह हमेशा आपके और भगवान के बीच है। गर्व मत कर अपने धन पर, अगर कमाई तेरे कुकर्म की है। जब कर्म आपको चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए वापस आता है तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बस इसलिए कि उसे मदद की जरूरत हो। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। इससे पहले कि आप बदला लेने का विचार करें, दो कब्र खोदें। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर बस आपके कर्म देखेगा। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। आज आप प्रकृति का विनाश करेंगे, कल ये आपकी सभ्यता का विध्वंस कर देगी। यदि कोई आपसे घृणा करता है या आपसे लड़ता है तो जान ले कि यह आपका अपना पिछला कर्म है जो आपके सामने खड़ा है। भाग्य आपको मुसीबत से नहीं निकालता, ऐसा करने का साहस केवल आपके कर्मों के पास है। सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है, परंतु यदि आप अपना कर्म सही से नहीं निभा रहे हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका परिणाम सर्वनाशी है। जो लोग झूठ बोल चुके हैं और धोखेबाज हैं, वे अंततः लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएंगे। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा, दूसरों के साथ वैसा करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है और मैं बस कहूंगा, अच्छा कर्म।